सर आज हियरिंग में क्या हुआ, किस तरह से प्रोसिक्यूशनिंग चली सर, क्या बता पाएंगे इस बारे? देखो मेरी राय है तो बहुत अच्छी तरह से चली, क्योंकि हमें जो जवाब चाहिए था प्रभु से सुनकर सब जवाब दिए, तो हमारा केस को अभी और भी ताकतवर हो गया, हम बहुत खुश हैं। सर व्हिप के ऊपर काफी क्वेश्चनिंग हुई कि व्हिप किसे कई कौन से तारीख में दिया, किस देखिए हमारा कहना है कि जो व्हिप उन्होंने इशू किया 21 तारीख को, यस सर, वो व्हिप कभी नहीं इशू किया गया है, वो बोगस व्हिप है, वो एक फौजरी है, सिर्फ ये उन लोग का पूरा डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन इस आधार पे है कि 21 तारीख का जो उन्होंने व्हिप इशू किया उसके अगेंस्ट कोई आए नहीं थे मीटिंग के लिए। वो 21 तारीख का जो व्हिप था, हर MLA को ये बताया गया था कि आपको अटेंड करना है मीटिंग, और वो लोग नहीं अटेंड किए, सो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अब तो हमने ग्राउंड बनाया है आज क्रॉस एग्जामिनेशन द्वारा कि ये जो 21 का जो व्हिप था, जो सुरेश प्रभु ने, सुनील प्रभु ने इशू किया था, वो प्राइमा फेशी एक फौज व्हिप है, वो कभी भेजा ही नहीं। स्पीकर ने कहा है कि 16 दिन मेरे हाथ में, जल्द से जल्द इसका जो सुनावनी है जल्द से जल्द कम्प्लीट कर देना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर मांगे थे कि हमें जल्द से जल्द हियरिंग का नतीजा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और उस डायरेक्शन के मुताबिक स्पीकर ने ये जो शेड्यूल बनाया है वो बनाया। सर क्या मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को भी बुलाया जाएगा विटनेस के लिए? आप देखिए ना सर, क्या सुनील प्रभु जी सही कुछ तो बात, कुछ तो हम आपको सरप्राइज भी करेंगे क्या क्या हमारी विटनेस है। सर आपको लगता है कि 31 दिसंबर तक हो जाएगा पूरा हियरिंग? मुझे उम्मीद है कि 31 दिसंबर, अभी देखो और कोई चारा है ही नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कौन उनको नहीं मानेगा। ओके ओके।